on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया। मैं गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा, और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा, और वही इस बजट में हमने देखा। कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। ये स्पष्ट हुआ है कि अगले 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए मैं